आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपना देख सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम का जो अब रिवीजन कर रहे होंगे आप, या कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, जिसका काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है। पहली जो ज़रूरी बात है कि आपकी जो एग्ज़ाम की डेट होगी, यानी कि मान लीजिए कि आपको 16 से शुरू हुआ है, तो आपको ज़रूरी है कि आप 15 को जो अपनी प्रॉपर नींद ले कर जाएँ। ये एक बहुत ज़रूरी बात है, आपकी नींद जो है पूरी होगी, वरना आप वहाँ पे थोड़े से सुस्त रहेंगे, वो एनर्जी नहीं लगेगी, आपको फील नहीं होगी। नंबर सेकंड जो बात है वो है आपके एग्ज़ाम सेंटर पर। आप कुछ भी पढ़ने की कोशिश ना करें कि को किसी ने बोल दिया कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आपको ही लग रहा है ये तो मिस हो गया वो मिस हो गया, क्योंकि पेपर जो भी आना है जैसा भी आना है वो आना है, आपके 10-15 मिनट से कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका लॉस ज़रूर हो सकता है कि आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, कोई प्रेशर कुकर थोड़े ना हो आप, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। उससे जो एक और चीज़ जुड़ी हुई है सेंटर से, कि आप अपने सेंटर पर कम से कम 15 से 30 मिनट जो है पहले पहुँचें, और जो भी ये एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके 10 सेंटर है जो बनाए गए हैं, जिनकी जो वीडियो है वो मैंने डाल चुके हैं कि कौन कौन से वो सेंटर बनाए उसमें, तो वो पूरे 10 जो है सेंटर बनाए CCSU यूनिवर्सिटी ने। और आपकी जो एंट्री का मैंने बता दिया कि 15 से 30 मिनट आपको जाना है। साथ ही साथ जो ज़रूरी बात है, आप अपनी वाटर बॉटल ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि आपका दिमाग है, जैसे कि हमको पता ही है कि ज़रूरत पड़ती है उसमें, क्योंकि वो वाटर ही है कह सकते हैं एक तरह से, काफ़ी हाई मात्रा में, जो हाई परसेंटेज वी कैन से दैट, तो वो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स में आपका कॉलेज आईडी कार्ड है अगर आप रखना चाहें रख सकते हैं, एडमिट कार्ड तो ज़रूरी है, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो एडमिट कार्ड ज़रूर ध्यान से रखें। और साथ ही साथ अपना ट्रैवलिंग के लिए पैसे वैसे हैं वो भी थोड़ा ध्यान से, वैसे आप कॉमन सी चीज़ है तो आपको करनी चाहिए, और पेन थोड़े एक्स्ट्रा ले जाएँ, ऐसा नहीं है कि आपको दिक्कत हो जाए और फिर वहाँ पर मिलना मुश्किल है। और जो आप एंट्रीज आप फिल करते हो अपना जो भी डिटेल्स होती हैं, तो उसमें आप रेगुलर या प्राइवेट ना करके वहाँ पे बैक का ऑप्शन होता है उसे भर दें, वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये तो एक रेयर एग्ज़ाम है, तो आपको वही होगा जो आप रेगुलर या प्राइवेट भरते हैं, वो एक चीज़ है, तो उस चीज़ का भी ख्याल रखें, अपनी एंट्रीज है उसे प्रॉपर भरें, उससे भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है। चौथी जो चीज़ है कि आप जब अपना एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो पहले तो बहुत दिमाग को शांत रखें, और आपको पेपर जो है बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ये उसमें से आप ये सेलेक्ट करें कि आपको कौन कौन सा जो है मतलब क्वेश्चन है वो आता है। और जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि जो हाई वेटेज का है, यानी कि जो भी सेक्शन आपका, जैसे कि CCSU यूनिवर्सिटी की बात करें तो सी सेक्शन जो आता है उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स का होता है। अब क्योंकि ये 1.5 घंटे का पैटर्न है, तो आप उसमें आपका जो क्वेश्चन आएगा वो लगभग 22.5 का सी सेक्शन होगा, ऐसा जो प्रीवियस है वो तो इतने का ही था उसके हिसाब से ही है। तो ज़रूरी है कि आप सी सेक्शन में से ढूंढें कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है, उसके बाद बी को आप करें, वो भी काफ़ी मार्क्स का है, तो ऐसे करें, ऐसा नहीं है कि आप ये जो कम नंबर के ए सेक्शन में लगे पड़े हैं सारी एनर्जी वहाँ लगा दी, तो पहले सी को करें, बी को करें और ए को करें, और फिर गारंटेड है कि आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा होगा और आपकी जो है उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाएगी। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही, और भी अच्छी चीज़ों के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।